कानपुर देहात के कस्बा मूसानगर के CPKU इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन पर ग्राम विकास अधिकारी अनिल कटियार, ग्राम प्रधान ऊषा चौरसिया, अंकुश चौरसिया, विद्यालय प्रबंधक व छात्र छात्राओं द्वारा CP इंटर कॉलेज की क्रीड़ा स्थल मैदान पर वृक्षारोपण किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई वृक्ष बारात। वृक्ष लगाते समय छात्रों के साथ साथ कस्बा वासी भी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल थाना है। क्या कार्यक्रम हो रहा है जी? वृक्षारोपण किस जगह पे किया जा रहा है? CP इंटर कॉलेज। अभी तक कितने वृक्ष लगाए गए हैं? 300। वृक्ष लगाने से हमारे ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। एक पेड़ समान 17.50 ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता आएगा और एक समान पेड़ के नीचे तापमान 3% तक रहता आएगा। हमें पेड़ लगाने से अत्यधिक लाभ होते हैं। जैसे पेड़ों के नीचे हमें रहने से नीम का पेड़ हमें बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। क्या कार्यक्रम हो चल रहा है? ये कार्यक्रम वृक्षारोपण के चल रहा है। किस जगह पे चल रहा है? ये CP इंटर कॉलेज के ये क्रीड़ा स्थल क्षेत्र है। लेकिन यहाँ तो जंगल और अवैध बड़ी अराजकता फैली हुई है। जनमानस जो है ना अवैध कार्य कर रहे हैं। अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी को सूचना नहीं? अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पे। अधिकारियों का ध्यान होना चाहिए। DM SDM को इसको देखना चाहिए, इसका निस्तारण करना चाहिए। ये कोर्ट में मुकदमा जा चुका है, फिर भी कोई समस्या का समाधान, कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये जनमानस की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है। इसमें अवश्य देखना चाहिए, जिस तरह से हो सके इसका निस्तारण करना चाहिए। जनमानस जो है ना अवैध कब्जा कर रखा है, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। क्रीड़ा स्थल में यदि अवरोध है तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं, कोई स्थान नहीं है। सही कहीं स्थान है, ये इंक्रोचमेंट है। कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों के प्रति खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ का जनमानस जो है ना ज्यादा इस पर हावी है। वहाँ स्कूल के बगल में भी क्रीड़ा स्थल है, वो भी मतलब अन्याय प्रिय सब घटित हो रहा है। हमारा नाम अशोक कुमार चौरसिया और बुगुल्ला चौरसिया प्रधान। अच्छा, ये आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज ये वृक्षारोपण है महाकुंभ का। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूरे देश में वृक्षारोपण का अवसर मिला है। हर विद्यालय, हर नगर, ग्राम पंचायतों में, खेत खलिहान में जो सरकारी जमीनें पड़ी हुई उसमें पौधे लगाने का कार्य किया गया। बच्चे हैं, फल वृक्ष लगाने से क्या क्या फायदे हैं? वृक्ष लगाने से हमारी बीमारी दूर होती है। वृक्ष से हमको छाया मिलती है, वृक्ष से ऑक्सीजन मिलता है। किस जगह पे लगाए जा रहे हैं ये वृक्ष? CP इंटर कॉलेज के विद्यालय की जमीन पर लग रही है। लेकिन इसमें तो अवैध निर्माण बना रहता है कहीं ना कहीं, मोरम के डैम भैया, ऐसे कुछ सारे लोगों की मानसिकता खराब है जो सरकारी जमीन को घेरते हैं। फायदे इसको DM और SDM को देखना चाहिए, इसका निस्तारण होना चाहिए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बृहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत जो हमारे जिले को टारगेट दिया गया है 27 लाख के आसपास का कुछ टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए जो हमारे विद्यालय को टारगेट दिया गया है वो हम टारगेट पूरा कर रहे हैं। अच्छा, ये किस जगह पर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है? हमारी फील्ड है विद्यालय की, उस पर कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें ये मोहरम के डंप दिख रहे हैं। जी भैया, ये किनके डंप हैं? इनकी किनके द्वारा लगाए गए? ये डंप हमारे विद्यालय के लिए लगाए गए हैं, विद्यालय को किराए में दिए गए हैं, उनकी वजह से लगाए गए हैं। उसकी नहीं तो क्या ये वैधानिक डंप है या अवैधानिक? वैधानिक जो वैधानिक है, इसमें अवैधानिक क्या है? क्या एक और जहां सरकार बच्चों के लिए फील्ड के लिए जी, बच्चों के खेलने के लिए जी, शिक्षा से भी कोई कम जरूरत नहीं बच्चों के खेलकूद के लिए, ठीक, इस चीज को देखते हुए आज भी CP इंटर कॉलेज की कोई फील्ड ऐसी उपलब्ध नहीं है बच्चों के लिए जिससे बच्चे खेल सकें। अच्छा, अगर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब जब हमारी जमीन खाली रही विद्यालय की, यहाँ के लोगों ने कब्जा किया है और कब्जे में हमारे कई मुकदमे चल रहे हैं, जिसका कि शासन ने, प्रशासन ने उनसे कई बार अनुरोध किया गया था, तभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मजबूरी में होकर ये करना पड़ रहा है कि जिससे कि हमारी जमीन सुरक्षित रहे। आज भी इस CP के फील्ड पे अवैध ढंग से ये मोहरम के डंप लगा रखे गए हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? कहना है कि सीधी सी बात है कि हमारी जमीन सुरक्षित रहे, ये मुख्य उद्देश्य। आज जो पेड़ लगाने का कार्यक्रम आप चला रहे हैं, तो जब ये मोहरम डंप है तो कैसे आप पेड़ लगाएंगे? पेड़ लगे हुए देख तो रहे हैं आप चारों तरफ, हमारी जहाँ प्लांटेशन के बीच में नहीं हुआ करता,
प्लांटेशन हमेशा कहाँ होता है, बाउंड्री में होता है, वो हमारी बाउंड्री में हो रहा है। क्या सरकार का लगाना ही काम है और रख रखाव बचाव करना सरकार का काम नहीं है पेड़ों का? बिल्कुल सबका है, ये आप हमारा भी है, आपका भी है, जनमानस का है। जिस तरीके से योगी सरकार और केंद्र सरकार ने पेड़ों को लगाने के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया है और अरबों के तादाद में रुपए खर्च कर रहा है, उसी समय ये जो पेड़ लगा रखे गए हैं इनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी? क्या मंथली या तिमाही या सालाना इनका सर्वे होगा? ये सर्वे तो शासन प्रशासन जो भी करेगा उसके अनुसार होगा, उसको वो तो आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा, क्या शासन की योजना है, क्या प्रशासन की योजना है। अच्छा महोदय, जैसे अभी ने कहा फील्ड की जगह पे जो किराए पे दी गई है जी, इसका किराया क्या विद्यालय कोष में जाता है? विद्यालय कोष में आता है, उसका अकाउंट है, उस अकाउंट में ऑडिटेबल है, उसका ऑडिट होता है, सब कुछ सिस्टम से होता है सर। अच्छा पर्यावरण